Welcome to my channel. So guys, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक स्मार्टफोन अनबॉक्सिंग वीडियो. So guys, basically मैंने बहुत सारे स्मार्टफोन्स को चेक किया था. जो टॉप ट्रेंडिंग स्मार्टफोन था उसका नाम है Redmi 11 Pro Plus 5G स्मार्टफोन है. गाइस ये आया है, अभी देखिए Flipkart से ऑर्डर अनबॉक्सिंग करना है. बिल्कुल इंटरेस्ट है, ऊपर लिखे है, मैंने सोचा आपके सामने खोलते हैं. तो चलो गाइस इसे अनबॉक्स करता हूं आपके सामने. तो गाइस मैं यहां से कटर से मतलब कटर ही तो स्क्रू ड्राइवर ही बहुत परफेक्ट है, इसे कट कर लेते हैं और तो देखते हैं इसके अंदर और क्या क्या आइटम्स हमें मिली हुई है. So guys, I'm pretty much excited because मैंने सुना था कि Redmi का ये जो फोन निकला है अब आजकल उसको 108 मेगापिक्सल के फोन है. Guys, उसमें क्वालिटी बहुत हाई है और guys हम इसके कैमरे का भी टेस्ट लेंगे, फोटोज क्लिक करके देखेंगे 108 मेगापिक्सल के कैमरे से भी, अल्ट्रा वाइड कैमरे से भी और नॉर्मल कैमरे से भी इसका जो सेल्फी कैमरा है. So guys, हमें अंदाजा लग जाएगा इसकी पिक्चर क्वालिटी कैसी है, वीडियो क्वालिटी कैसी है. ठीक है, तो चलो guys ये यहाँ रखते हैं साइड में और ये देखिए guys. Presenting you Redmi Note 11 Pro Plus 5G smartphone. So guys, अब देखते हैं इसके अंदर हमें क्या क्या सामान मिलता है. So guys, ये देखिए आपके सामने ओपन होने जा रहा है. ये 256GB का इसमें स्टोरेज है. ठीक है guys, check this out. OMG. So guys, हमें सबसे पहले इसमें ये देखने को मिला है बॉक्स. ओके ग्रेट. और गाइज ये रहा हमारा स्मार्टफोन. OMG guys. ये देखिए गाइस ब्लू कलर मेरा सबसे ज्यादा फेवरेट कलर है. सो गाइस मैंने ब्लू कलर ऑर्डर कराया था, आप चाहे तो उसमें व्हाइट भी ले सकते हैं, ब्लैक कलर भी है. ठीक है, और गाइस हम इसमें और देखने को क्या मिलता है. इसमें है गाइस 67 वॉट का चार्जर. गाइस इतना हाईएस्ट चार्जर अभी शायद किसी फोन में नहीं होगा गाइस, क्योंकि जो मैक्सिमम फोन लॉन्च जो है ना 14,000 से 15,000 के, उनमें से मैक्सिमम है Vivo का T1, उसका भी 44 वॉट का चार्जर है, बट गाइस इसका 67 वॉट का है. और Redmi का एक और ऐसा फोन है इसका 120 वॉट का चार्जर है, वो है Redmi का 11i हाइपर चार्ज. सो गाइस वो फोन तकरीबन 45,000 का है, 40-45,000 का. और गाइस हमें और देखने को मिलता है टाइप सी USB केबल जो ऐसा और कॉमन ही है गाइस, दैट्स इट, और इसमें कुछ नहीं है. तो चलो गाइस अब इसको रखते हैं साइड में. चार्जर पर बात नहीं, इसकी टेस्ट लेके देखेंगे कि गाइस मैंने इसका हाइप बहुत सुना था कि ये जो फोन है 30 मिनट के अंदर फुल हो सकता है, मतलब लगभग 50% इसे चार्जिंग 15 मिनट्स में हो सकती है क्योंकि ये 67 वॉट है. और इसकी बैटरी जो है ना गाइस 5000 mAh की बैटरी है. एंड गाइस आप इसमें फीचर्स देखोगे ना तो इसमें एक से बढ़कर एक फीचर है गाइस. रुको आपको दिखा दो, ये देखो इसमें Snapdragon 695 का प्रोसेसर है और इसके साथ साथ गाइस का जो स्क्रीन रेट है वो 120 हर्ट्ज का है और टच सैम्पलिंग रेट है 360 हर्ट्ज का. और गाइस इसमें लिक्विड कूल टेक्नोलॉजी है और इसका जो फ्रंट कैमरा है गाइस वो 16 मेगापिक्सल का AI सेल्फी कैमरा है और इसका जो बैक कैमरा है वो है 108 मेगापिक्सल का कैमरा, 8 मेगापिक्सल का कैमरा और 2 मेगापिक्सल का मैक्रो और डेप्थ कैमरा भी है गाइस. तो चलो गाइस इसपे आप और चीजें चेक करते हैं. तो गाइस मैं आपके सामने इस फोन को खोलने जा रहा हूँ और इसके ऑन करके देखते हैं कि कैसा है इसका लुक है. गाइस चेक दिस आउट, ओह माय गॉड गाइस, ये पॉलिशिंग जरा साइड करते हैं. ये देखिए गाइस स्क्रीन, देखिए गाइस कितना इसका पतला है. ये मेरे ख्याल से 7.9mm का होगा गाइस. ये देखिए मोटा, मतलब इसका लुक कितना अट्रैक्टिव लगता है ना गाइस, मतलब ये देखने में ऐसा नहीं है कि बहुत बोरिंग टाइप है, फुल कूल है. और इसमें एक गाइस AI लेंस भी है, स्पेशली इसमें एक AI लेंस भी है. तो चलो गाइस इसको ऑन करते हैं. ये देखिए गाइस फोन ऑन होने जा रहा है. आई एम प्रीटी मच एक्साइटेड. सो गाइस फोन ऑन हो चुका है और मैंने इसमें सिम कार्ड अलॉट डाल दिया था. अच्छा चलो गाइस इसका सिम कार्ड आपको दिखाता हूँ. इसका जो सिम कार्ड है ना वो भी बहुत तगड़ा है. यूजली है जो मेरे जो पुराने वाले सेट है गाइस, ये देखो Redmi का Y2 मॉडल है. सो गाइस ये रहा मेरे पास इसका सिम की. और गाइस इसका जो सिम स्लॉट है वो यहाँ नहीं है, नीचे है गाइस. ये देखिए ये बिल्कुल लेटेस्ट टाइप है गाइस. बेसिकली जो नॉर्मल सिम स्लॉट होते हैं ना ऊपर ही या साइड में होते हैं,
बट इसका नीचे है, मैं जरा आराम से निकाल के दिखा। ये देखिए गाइस, सिंगल सिम स्लॉट है, मतलब इसमें इधर या तो इधर सिम डाल सकते हैं दो सिम, या सिर्फ एक सिम और एक मेमोरी कार्ड डाल सकते हैं। सिम स्लॉट है वो आपसे डाल देते हैं। तो बेसिकली ये काफी न्यू आइडिया है कि इन्होंने या तो दो सिम डाल सकते हैं या एक सिम और एक माइक्रो एसडी कार्ड डाल सकते हैं। सो बेसिकली गाइस, ये एक्सपेंडेबल है, इसकी स्टोरेज आई गेस 256 तक एक्सपेंडेबल होगी, नॉट मच मैटर। एंड गाइस ये देखिए, इसकी आपको दिखाता हूं, इसका ये रही है, यहाँ पे आपको नॉर्मली एक सिम सिम की की मिलती है, और ये रहा इसका नॉर्मल कवर। बेसिकली ये तो इसका यूजर मैनुअल है, और इसका जो गाइस कवर है ना, ये देखिएगा इस क्या कवर है, मतलब नॉर्मल कवर से ये मतलब काफी हार्ड भी नहीं है, बिल्कुल सॉफ्ट टाइप कवर है। ठीक है गाइस, तो चलो गाइस कवर को लगा लेते हैं और जरा इस फोन का कैमरा टेस्ट लेके देखते हैं। और हाँ गाइस, इसमें ड्यूअल स्पीकर है गाइस, ये देखिए, एक तो नीचे है और एक ऊपर भी है, देखो ऊपर भी है। तो गाइस बेसिकली ये कंसेप्ट अब काफी जो लेटेस्ट फोन आ रहे हैं उनमें अवेलेबल हो रहा है, कि पहले जो सिंगल स्पीकर होते थे, आजकल ड्यूअल स्पीकर है, जो कि काफी बेस्ट लगते हैं देखने में, इजंट इट गाइस? बिकॉज ये जो इसका वो होता है ना फील, उससे एक अलग फील आता है म्यूजिक का, क्योंकि जब हम वीडियोस वगैरह देख रहे होते हैं ना, तो उसमें एक एंजॉयमेंट बहुत सही मिल जाता है। अब इसके कैमरा की टेस्टिंग लेके देखते हैं। सो गाइस ये है इसकी स्क्रीन, और गाइस की जो बेसिकली वो है ना इसका ये ब्राइटनेस 1200 नाइट्स तक है गाइस, देखो कितना ब्राइट है, मतलब देखने में काफी कूल लगता है। ठीक है गाइस, और चलो इसका आपको स्टोरेज दिखा देता हूं कि ये 256 है कि नहीं। ये देखिए गाइस, यहां पे सिंपली आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, और या तो आप यहाँ पे सिंपली सर्च भी कर सकते हो, इज़न्ट इट? एंड यहाँ पे सिंपली सर्च करना है आपको स्टोरेज, एंड यहाँ पे आ जाएगा आपका। सो गाइस ये देख सकते हैं आप, MIUI का 13 वर्जन है, और गाइस अभी अपडेट मांग रहा है, क्योंकि गाइस मैंने आपके सामने अभी अनबॉक्स किया है, तो अभी अपडेट मांग रहा है। और इसमें 256 GB का स्टोरेज है गाइस, आप देख सकते हो, सिर्फ 29 MB का इसका जो इंटरनल स्टोरेज है वो यूज हुआ है। और इसके और फीचर दिखा देता हूँ गाइस आपको, यहाँ पे इन्फॉर्मेशन में आप देख सकते हो, ये MIUI का वर्जन है, और ऑल स्पेसिक्स में गाइस ये देखिए, इसका 8 GB रैम है और 3 GB वर्चुअल रैम आप एक्सपेंड कर सकते हैं। ऑक्टाकोर प्रोसेसर है 2.2 GHz का है, और गाइस बेसिकली बाकी सारे फीचर तो ऑलमोस्ट नॉर्मल ही है। ठीक है, तो चलो गाइस इसका कैमरा टेस्ट लेके देखते हैं, लेट्स चेक इसका कैमरा कैसा है। गाइस चेक दिस आउट, ये है इसका HDR कैमरा, फुल HDR है गाइस, AI कैमरा है, और इसमें और फीचर्स भी गाइस, प्रो कलर है, टाइम बर्स्ट है, मूवी फ्रेम है, मैक्रो कैमरा है गाइस। और ये देखो, जब आप मोर पे जाओगे ना गाइस, ये है इसका ऑफिशियल 108 मेगापिक्सल का अल्ट्रा HD कैमरा गाइस, इससे जो फोटो खींचोगे ना वो 20 MB तक जाएगी, ऑलमोस्ट 20 MB तक तो जाती जाती है। ठीक है गाइस, तो चलो अब इसके एक फोटो क्लिक करके देखता हूँ। तो चलो गाइस, मैंने 108 मेगापिक्सल सेट कर दिया, और जरा अपनी एक फोटो क्लिक करके देखते हैं गाइस कैसी आती है। सो गाइस ये रही एक फोटो, और 3, 2, 1। सो गाइस मैंने फोटो क्लिक की है, आप देख सकते हो गाइस इसकी क्वालिटी, देखिए गाइस बिल्कुल भी गाइस पिक्सल्स नहीं पड़ रहे हैं, फुल क्लियर है। एंड अब इसका गाइस और टेस्ट लेके देख लेते हैं, क्योंकि गाइस मैंने इसके और भी फीचर्स चेक कर रहे हैं। अब इसका डुअल वीडियो का जो स्पेशल फीचर है गाइस, आप ये देख सकते हो, इसमें दो दो वीडियो एक साथ प्ले हो सकती है गाइस, और यहाँ पे एक इतना ही नहीं है गाइस, आप इसको यहाँ पे छोटा भी कर सकते हो और अपने आपको फुल साइज दिखा सकते हो। बेसिकली ये वी लॉगिंग के लिए बहुत बेस्ट रहता है गाइस, जैसे आपको वी लॉगिंग वगैरह करनी है ना, तो अपनी स्क्रीन यहाँ से और छोटी करी, एक वन मिनट, ये ऐसे कर सकते हो गाइस। देखो गाइस, इससे आप परफेक्ट वी लॉग बना सकते हो, और अगर आप ट्रैवलिंग वगैरह कर रहे हो तो उसमें बहुत बेस्ट फीचर गाइस। और मैं आपको दिखा देता हूँ फीचर्स, ये जरा डुअल वीडियो को ऑफ करके ना गाइस, इसका और मोड्स आपको, ये लॉन्ग एक्सपोजर गाइस, जो लॉन्ग एक्सपोजर है इसको, अच्छा इसको अभी डाउनलोड करना पड़ेगा, कोई बात नहीं। ये देख सकते हो उसमें टाइम लैप्स का है, स्लो मोशन है, शॉर्ट वीडियो बना सकते हो गाइस, नाइट कैमरा है, तो शॉर्ट वीडियो में बेसिकली इसमें नॉर्मल जैसे शॉर्ट वीडियो बनती है गाइस, वैसे आप बना सकते हो। और इसमें एडिट में आप जाओगे गाइस, तो आप यहाँ देख सकते हो कि इसमें डुअल वीडियो का प्रूफ कैमरा फीचर है, पोर्ट्रेट मोड भी है गाइस, पोर्ट्रेट मोड बहुत सही रहता है। एंड और इसमें पोर्ट्रेट मोड में आपको एक जरा पिक्चर में क्लिक करके दिखा देता हूँ गाइस, जरा एक सेल्फी लेके देखते हैं इसका गाइस। जो पोर्ट्रेट मोड है ना, AI सेल्फी कैमरा 16 मेगापिक्सल का है, तो उसमें जरा चेक करता हूँ मैं गाइस। ये देखिए पोर्ट्रेट मोड में पिक्चर कितनी क्लियर आई है, और पिक्चर का जो बैकग्राउंड है इसने फोन ने बिल्कुल ब्लर कर दिया, जो बहुत अच्छा लुक दे रहा है गाइस, क्योंकि इसका जो फ्रंट वाला है वो सेल्फी कैमरा AI वाला है, सो उसका बहुत बेस्ट फीचर रहता है गाइस। और इसमें से फोटो मोड है, वीडियो मोड में गाइस आप यहाँ चेक कर सकते हो, ये देखिए
वीडियो मोड में आप यहाँ पे नॉर्मल ग्रिड लाइंस डाल सकते हो, यहाँ पे आप सिर्फ मैक्सिमम 1080 30fps तक शूट कर सकते हो, 720 30fps तक। ठीक है गाइस, इसमें ग्रिड लाइन डाल सकते हो, मूवी फ्रेम है। बाकी ये जो प्रो वाला है गाइस, ये बिल्कुल सिंपल है, इसमें लेंस टेस्ट वगैरह कर सकते हो और इसमें कलर वगैरह चेंज कर सकते हो आप, उससे जो पिक्चर की वो अच्छी क्वालिटी वो बहुत बेस्ट होती है। ठीक है गाइस, अब चलो इसकी एक वीडियो रिकॉर्ड करके देखते हैं, लेट्स सी इसकी वीडियो क्वालिटी कैसी है। सो गाइस, जैसे कि आप देख सकते हो मैं इसके फ्रंट कैमरे से वीडियो शूट कर रहा हूं, लेट्स सी देखते हैं कैसी जाती है वीडियो। हाय, सो गाइस ये आपको वीडियो आप देख सकते हो ऊपर स्क्रीन में, यहां साइड में स्क्रीन में चल रही है वीडियो। सो गाइस, के फ्रंट कैमरे से वीडियो मैंने शूट की थी और इसका जो पीछे का बैक कैमरा गाइस, मैं बैक कैमरे से भी वीडियो शूट करके दिखा रहा हूं आपको, बिल्कुल क्लियर वीडियो शूट होती है, क्रिस्टल क्लियर। और जो इसको ऐसे शूट करके देखते हैं, ठीक है गाइस, ये लीजिए। हेलो, माय नेम इज अर्शिल अग्रवाल, थैंक यू सो मच। सो गाइस, अब इस क्वालिटी का देख सकते हो, यहाँ पे इसने आवाज़ जो है बिल्कुल क्लियर रखी है और उससे इसका जो फील है वो बहुत सेट आता है। इसकी बैक शीट जो है मैं इसके जरिए इसको चार्ज कर देता हूँ गाइस, ये आपके सामने इसको चार्जर को ओपन कर देता हूँ। ठीक, इस बॉक्स को साइड में रख देते हैं और यहाँ से इसकी वायर को ओपन करते हैं। सो गाइस, ये रही इसकी, काफ़ी मोटी वायर है बट इट्स नाउ परफेक्ट एंड सिंपली जस्ट इसमें आप लगे एंड ये परफेक्टली लग गया एंड अब यहाँ पे अपना फ़ोन को प्लग इन करना है एंड दैट्स इट। एंड सी सही सर, इसमें गाइस क्विक चार्ज है, ये 30 मिनट्स के अंदर फुल हो जाएगा गाइस, ये देख सकते हो आप स्पीड। MI का टर्बो चार्ज है गाइस, ये ऑटोमेटिकली फुल स्पीड पे चार्ज होता रहेगा और ये इसी तरह से आधे घंटे में फुल हो जाएगा। एंड आई थिंक दैट्स इट फॉर दिस वीडियो एंड अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना एंड thanks for watching, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।